अगर मैं चाहूँ तो इस वीडियो को 10 मिनट तक का बना सकता हूँ, क्योंकि मूवी बहुत ही अमेजिंग है और इसकी एक एक डिटेल अगर मैं समझाऊँ तो वाकई आपको मज़ा आएगा, लेकिन 10 मिनट थोड़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और मुझे पता है कोई नहीं देखने वाला 10 मिनट की वीडियो, कोई भी नहीं देखने वाला। लेकिन हाँ, मैं इस फिल्म को आपको इतने शॉर्ट में समझा दूंगा, लेकिन इतना समझा दूंगा कि आपको देखने का इसका मन करेगा। फिल्म की शुरुआत देखने को मिलती है कि एक माँ बाप है और उनकी 2 लड़कियाँ हैं और ये एक हैप्पी फैमिली है, और इनकी मम्मी ने इन्हें एक सीख दी है कि जितनी ज़्यादा तकलीफ होगी उतने आदमी स्ट्रांग बनोगे। लेकिन इनके जो पापा हैं वो मैं बताता हूँ आगे किसके लिए काम करते हैं, वो किस चीज़ के लिए काम करते हैं जिसके लिए अब उनको अर्जेंटली जाना पड़ता है और वहाँ से भाग के आए थे। और ये नीले बाल वाली की अपनी ब्लैक विडो यानी कि अपनी नताशा यानी कि स्कारलेट जॉनसन है, कितने नाम है। अब इन सबको बनाया बनाना होता है ब्लैक विडो। ब्लैक विडो एक ऐसा वो होती है, प्रक्रिया होती है, अभी कुछ शुद्ध नहीं बोलूँ तो प्रक्रिया होती है, जिसमें 100 लड़कियाँ चूज करी जाती है लेकिन एक या दो ही बच पाती हैं, उसमें से एक दो में से एक ये थी और एक इनकी बहन थी जो कि इनकी सगी बहन नहीं है। और इन्हें पता चल चुका है कि इनकी सगी बहन नहीं है, और क्योंकि इनकी माँ इन्हें जब पैदा होती है कूड़े के ढेर में फेंक कर आ गई थी, नहीं पता था। लेकिन अब इनकी जो बहन है और इनकी जो नताशा है, इनकी फाइट होती है आपस में इस बात को लेके कि जहाँ पे ब्लैक विडोज़ बनाई जाती हैं वो जगह कहाँ है, और उस जगह का नाम है रेड रूम। रेड रूम में ब्लैक विडोज़ बनाई जाती हैं, और जो रेड रूम का मालिक है उसका नाम है ब्लैक ऑफ, जो कि ये जिसे ये फाइट कर रहे हैं इसका नाम ब्लैक ऑफ है। और आगे मैं बताता हूँ कि इसके साथ हुआ क्या था। जो ब्लैक ऑफ है वो किसी का ही मूव कॉपी कर सकता है, उससे कोई लड़ नहीं सकता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मतलब एक बियॉन्ड इमेजिनेशन है साइंस की वो। और ये दोनों बहनें आपस में लड़ती हैं फिर, लेकिन एंड में दोनों मकसद बनाती हैं कि हम दोनों को साथ में होना चाहिए और रेड रूम में जाके ये सारी ब्लैक वीडियोज़ को सही करना चाहिए, क्योंकि सारी ब्लैक वीडियोज़ एक एक करके लोगों को मारती जा रही हैं। ये प्लान बना लेती हैं। अब इन्हें प्लान बनाने के बाद मैंने पता चलता है कि अब हमें ज़रूरत है एक हेलीकॉप्टर की, क्योंकि इन्हें अपने पापा यानी कि क्योंकि ये 21 साल के बाद की बात है, जब ये बच्ची थी तब ने से 21 साल के बाद स्टोरी चल रही है, और ये वो टाइम है जो स्कारलेट जॉनसन ने ब्लैक पैंथर पर अटैक कर दिया था कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में, ये वाला टाइम है। लेकिन जब ये दोनों रेड रूम की ओर बढ़ रही होती हैं, क्योंकि इन्हें रेड रूम का एड्रेस नहीं पता होता, इनके सिर्फ पापा को पता होता है एड्रेस, क्योंकि ये है रेड रूम का चैंपियन, मतलब रेड रूम का बॉस ये है, तो ये गाड़ियाँ वाड़ी चुरा के जैसे जैसे करके अपने पापा तक पहुंचती हैं, और हेलीकॉप्टर लेके ये अपने पापा को जेल से रिहा करवा देती हैं, जो जो पापा जो शुरुआत में दिखाए थे उनको रिहा करा देती हैं। और फिर वही इनकी मम्मी बैठ जाती हैं, फिर ये एक सैड होते हैं कि हम में से कोई भी सगा माँ बाप या सगे बच्चे उच्चे नहीं है, तो इन लोगों को थोड़ा दुख हो रहा होता है, लेकिन हाँ फिर भी नहीं ये होता है कि हमने इनके साथ कुछ बचपन बिताया है, कुछ अपना वक्त बिताया है, जो कि इनकी छोटी बहन याद रखती है। लेकिन अपनी नताशा बहुत सख्त है, उसे इस पास उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे सिर्फ रेड रूम की ओर जाना है। लेकिन रेड रूम में जाने के लिए सबसे पहले उसे ब्लैक ऑफ को मारना पड़ेगा। ब्लैक ऑफ बहुत ही खतरनाक फाइटर है, जो कि इनकी बहन समझाती है कि तुम उससे नहीं लड़ सकती और तुम फालतू में उल्टे सीधे पोज बनाते रहती हूँ, ये मस्ती मजाक इनका चल रहा होता है। लेकिन एट द एंड जब ये अपने पापा को रिहा करवा देते हैं इस हेलीकॉप्टर में बैठ के, तब इनके पापा बता देते हैं कि रेड रूम कहाँ पे है, क्योंकि इनकी जो मम्मी ये इनके पापा हैं जो पंच लड़ा रहा है ये नहीं है, इनकी जो मम्मी है उनका नाम है मेलिना, जो बनी मम्मी है, मतलब सगी मम्मी नहीं है लेकिन है मम्मी तो है ना। तो ये लोग एक प्लान बनाते हैं कि अब एक घर में बैठ के लोग प्लान कर रहे होते हैं कि हमें क्या करना है, किस तरीके से रेड रूम तक पहुंचना है। लेकिन उस रेड रूम पे हो जाता है हमला, किनका उन्हीं का ही, रेड रूम वाले जो सॉरी इनके घर पर हमला होता है हमला, क्योंकि रेड रूम नहीं चाहता कि उनके पास कोई भी आए और कोई भी उन्हें बचा के ले जाए। और ये लोग बताती हैं कि ना हमें यूटीरियस है ना ओवेरीज हैं, जो हम मामा बने तो ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे अंदर, लेकिन एक हैप्पी फैमिली की तरह ये इनके पापा भी तैयार होते हैं कि चलो ठीक है चलते हैं। और इनकी मम्मी पापा बताती है कि हमने इंसान के अंदर भी एक ऐसी चिप फिट कर सकते हैं जिससे इंसान हमारे कंट्रोल में आ जाए, मतलब किसी भी तरीके से हमारे कंट्रोल में आ सकता है। तो ये बोलती है तो बहुत डेंजर है, तो बोलती है तुम्हारे अंदर भी यही लगा हुआ है, तो वो हैरान रहती है कि अच्छा अपने अंदर भी यही है। लेकिन फिर इन पर हो जाता है अटैक उन्हीं लोगों का, और अटैक के बाद ये दोनों हो जाते हैं बेहोश। लेकिन इनकी मम्मी, और एक बहुत बड़ा सस्पेंस बनता है मूवी में, उनका सस्पेंस ये होता है कि इनकी मम्मी स्कारलेट का फेस ले लेती है और वो मतलब बना लेती है, कोई उखाड़ती उखाड़ती नहीं, सजा वजह नहीं कर पाती, ये दोनों प्लान बना के फेस ले लेती हैं एक दूसरे का। और फिर क्योंकि जब उन लोगों ने अटैक कराया तो उन लोगों को इन्हें रेड रूम में ले आना ही पड़ता है, और ये लोग पहुँच जाते हैं रेड रूम में। अब रेड रूम में जाने के बाद क्या होता है कि वो सीधा मम्मी बन के जाती है अपनी नताशा, लेकिन बॉस को पता चलता है कि बॉस ये बैकऑफ बॉस नहीं है, बैकऑफ से उनका फाइटर है, ये है रियल बॉस। और उसको पता चलता है कि तुम नकली मास्क लगा कर आई हो, तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकती हो, और ये 2 सेकंड में मास्क हटा देता है, मतलब देख रहे हो रोने की चला की। और फिर ये बोलता है कि तुम हमें नहीं मार सकती, तुम कितनी बार तो मुझे मार नहीं सकती, क्योंकि इनके पापा और इनकी इनकी जो मम्मी जो स्कारलेट बनी हुई उनको बंद कर दिया, क्योंकि अभी मास्क हटा देती हैं, अब तो कन्फ्यूजन होगी नहीं फिल्म में। फिर इन लोग बात कर रहे होते हैं कि जो भी लड़कियां हैं उन्हें छोड़ दो, लेकिन ये भाई बहुत सख्त आदमी है, वो छोड़ता नहीं है। लेकिन इस मूवी का जो एंड निकलता है वो ये कि जो ब्लैक ऑफ जो खतरनाक लड़की थी वो इनकी बेटी थी, और इनकी बेटी को इस कारण बम से उड़ाया था, इसलिए सब पता चल रहा था। और जो सबसे बढ़िया चीज़ है वो मैं आपको यहाँ नहीं बताऊँगा, मैं ये नहीं बताऊँगा कि इसे क्यों रोक पा रहा है, मतलब कैसे रोक पा रहा है, ये बहुत बेहतरीन सस्पेंस है जो आप फालतू में यहाँ बताऊँगा तो मज़ा ख़राब हो जाएगा आपका, तो जाके देख लें इस मूवी को, ठीक है। लेकिन एट द एंड वो सारी ब्लैक ऑफों को मतलब ब्लैक विडोज़ को इंसान बना देती हैं और उनको
अपनी अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ देती हैं, और फिर आपको पता है एवेंजर्स एंड गेम में क्या होता है। ठीक है, तो हाँ इसी के साथ खत्म होती है ब्लैक वीडो मूवी। प्लीज़ इसे जाके देखो, मैंने बहुत बड़ी चीज़ आपको बताई नहीं है जो कि आपको बहुत पसंद आएगी। तो हाँ, और चैनल पर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।